मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगा भक्तों की श्रृंखला से जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, भक्तों से महाराज जी का रिश्ता जो चल रहा है उसका एक अनुभव। अमेरिका हॉस्टन टेक्सास अमेरिका में एक स्थान है, वहां रहती हैं मुक्ता विजयवर्गीय। उन्होंने ये अपना अनुभव भेजा है। जनवरी 2019 तक वो महाराज जी के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन जब उन्होंने ऑनलाइन किसी भी तरह से महाराज जी का कोई वीडियो देखा या कोई ऐसा कुछ संपर्क हुआ ऑनलाइन, तो उन्होंने महाराज जी के बारे में खोजबीन की। उनकी माँ ग्वालियर में रहती हैं, उन्होंने महाराज जी के बारे में माँ से बात की और अगले दिन जब उन्होंने फेसबुक चलाई तो उस महाराज जी के एक चित्र सहित उस पर लिखा था कि तुम अपने घर बुलाओगे तो हम अवश्य आएंगे। तो चौंक गई, उन्होंने अपनी माँ से बात की। माँ से बात करने के बाद उन्होंने कहा महाराज जी के बारे में, फिर उन्होंने ऑनलाइन और इसी तरह से दस्तक मीडिया तक वो पहुंची। दस्तक मीडिया में उन्होंने वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद माँ से जब चर्चा हुई तो माँ ने बताया कि मुझे कल एक स्वप्न आया रात में कि एक स्थूल आए एक व्यक्ति सफेद धोती पहने हुए और कंबल डाले हुए घर में चला आ रहा है। मैंने मुक्ता तुझे आवाज लगाई कि देख मुक्ता कौन आ रहा है, कौन भिखारी अंदर घुसा चला आ रहा है, और इतना कहते ही उनका स्वप्न टूट गया। सुबह चर्चा होती है, माँ कहती है कि देखिए मैंने ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए और महाराज जी होंगे। इधर मुक्ता जी ने अपना निवेदन भेज दिया, महाराज जी हमको दर्शन दीजिएगा। अब सब लोग कहते हैं कि महाराज जी हमको दर्शन दो, हमको दर्शन दो, और महाराज जी दर्शन देते भी हैं। तो वो अपनी प्रार्थना करती रही। वो कहती हैं कि बहुत सारे वीडियो हमने देखे जिनमें भक्तों को दर्शन दिए, तो मुझे पूरा विश्वास हुआ कि मुझे भी दर्शन होंगे। एक दिन हमारी गैराज का जो कार खड़ी होती है, गैराज का शटर जो है खराब हो जाता है। हमारे पति यानी मुक्ता जी के पति वो फोन करते हैं उस गैराज कंपनी को और वहां से बताया जाता है कि अभी हम आपको मैकेनिक भेज रहे हैं। एक मैकेनिक आता है, जीन्स पहने हुए है, शर्ट पहने हुए है, और आके वहां उनके शटर को ठीक करता है। तो एक झलक मुक्ता जी देखते हैं तो उनको लगता है कि ये एकदम अमेरिकी है, लेकिन इसकी दाढ़ी और जो बाल सफ़ेद है, मुंह सफ़ेद है, ये तो कुछ जो हमने चित्र में देखा हुआ है ऐसे लग रहा है कि महाराज जी का कैसा, तो एकदम भ्रम सा होता है उनको। वो सोचती हैं कि लाओ हम इससे बात करें, क्या ये उनके दिमाग में चल रहा है, कहीं एक गिलास पानी के लिए पूछ लें। फिर उन्हें ये लगता है कि ठंड है और पानी के लिए पूछेंगे तो ये भी ठीक नहीं रहेगा, ये उनके मन में चल रहा है। तब तक वो अपना जो खराबी थी वो सही करके और उन्होंने ये कहा कि जरा पानी पिलवा दीजिए। मुक्ता तो तैयार खड़ी थी, मुक्ता ने देखा घड़ी पानी मांगा है और पानी लेके मुक्ता जी गई हैं और उन्होंने बोला जय श्री राम। तो अचानक जय श्री राम बोलना, उनको लगा कि जय श्री राम बोल रहे हैं क्या है। अब महाराज जी को वो परफेक्टली ये नहीं जानते, लेकिन उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराज जी हैं, बल्कि उन्होंने उनके पति को ओके थैंक यू सर गुड बाय यानी जाते समय जो अमेरिका में कहते हैं वो किया और उनको जय श्री राम बोला। जब जय श्री राम बोलने पर वो थोड़ा सा एकदम दिमाग में आया कि कहीं महाराज जी तो नहीं है वास्तव में, तो ये उहापोह उनमें चलती रही। वो मैकेनिक जो था वो चला गया। इसके बाद उन्होंने पति से कहा कि ये कौन व्यक्ति था, उनका वो पाकिस्तान से बता रहे थे और कोई मुस्लिम नाम बताया उन्होंने। अब तो और ज्यादा चमत्कार, पाकिस्तान में मुस्लिम व्यक्ति और जय श्री राम बोलेगा, ये सब उनके दिन में। अब उनको ये लगा कि मैंने उनसे बात नहीं की, उनसे पूछा नहीं, मैं उनसे चर्चा ही कर लेती शायद।
शायद लग के जब वो ये उहापोह होती है शाम को, वो भोजन प्राप्त करके जब सो जाती हैं तो सपने में महाराज जी और सिद्धि माता दोनों के उन्हें दर्शन होते हैं। और फिर जो झलक उस मैकेनिक में देखी थी वो झलक ही उसी रूप में महाराज जी के दर्शन होते हैं। मुक्ता जी बताती हैं कि हम उनका शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते, जो अनुभव हुआ है जब से महाराज जी को सपने में देखा है, हमारे दिशा और दशा दोनों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। और महाराज जी सपने में दिखने में ऐसे ही लगे जैसे वो मैकेनिक थे। तो बहुत अफसोस रहा उन्हें कि हमने उनसे बात नहीं कर पाई, और उन्हें पूरा विश्वास है कि महाराज जी ने मेरी पुकार सुन के मुझे दर्शन दिए। मित्रों, आपके पास भी यदि कोई अनुभव है तो मेरे पास भेजिएगा, मैं आपके अनुभव को भक्तों के बीच में ले जाने का प्रयास करूंगा। मुक्ता जी, आपने अपना अनुभव भेजा और उनका चित्र भी आप दिखा दीजिएगा मुक्ता जी का। आपको दस्तक मीडिया की तरफ से बहुत बहुत आभार। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।